अगर आप छह घंटा से कम सोते हैं योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज बाई थ्री हंड्रेड परसेंट चांसेस ऑफ डाइंग बाई हार्ट अटैक गोज बाई टू हंड्रेड परसेंट

अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दो क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉमेशन एंड बेहतर से बेहतर गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस बिफोर यू स्टार्ट द शो आज का एपिसोड मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अराउंड है इनफैक्ट ये मेरी नहीं इंडिया में हर तीसरे इंसान की प्रॉब्लम है दैट इज स्लीपिंग पैटर्न इशू हम लोगों की लाइफ में मोर देन 70 टू 80 परसेंट प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है वो सॉल्व हो सकती है अगर हमने हमारे सोने का पैटर्न सुधार दिया तो हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है कि कैसे हम कम सोने की वजह से कैंसर एंड हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं कैसे नींद हमें हेल्प करती है हमारे ट्रॉमास और इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में कैसे छोटे बच्चों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ डेवलप हो गई है आज के ज़माने में एंड कैसे कोई डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है और हम सब की फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है उन लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है ये हिस्ट्री पता करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसको जानने के बाद हम क्या स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ बेटर कर सकते हैं इसके बारे में एपिसोड है हमारे आज के गेस्ट हैं प्रशांत देसाई वो एक लॉन्जिविटी शेरपा है उनको इतनी नॉलेज है अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दैट आई कैन लिसन टू हिम फॉर आवर्स एंड ये आपको आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्यों ऐसा है वो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं इन्जॉय द शो यू विल लव इट बट वेट आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि हम ऐसे लोग ढूंढने में और उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत मेहनत करते हैं एंड आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को भी जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको हम एक इंसाइटफुल और बेहतर इंसान बना सकें ताकि आप आपकी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस इनफैक्ट बहुत सारी अनकट बी क्लिप्स के साथ स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है जिस पे हम पूरा ये ऑडियो वर्जन डालते हैं तो हमें स्पॉटिफाई पे भी जाके फॉलो कर लो एंजॉय द शो स्टार्टेड रीडिंग एंड स्टार्टेड स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल ऑन्टरप्रिन वन एडवाइस वन टेप यंग ऑन्टरप्रीनोर सब बोल रहे हैं सो so स्लीप को हमने लाइटली लिया स्लीप को हमने लाइटली लिया बहुत सारे मल्टीपल मैंने क्या है ये स्लीप को लाइटली लिया बिकॉज वी ऑल सेलिब्रेट हासिल कल्चर वी स्लीप लाइक प्राइम मिनिस्टर से मैं बहुत कम सोता हूँ ये सब सब बोल रहे हैं मैं कम सोता हूँ एंड देन मैंने उस इन सब की मेरी क्यूरियासिटी चाहिए एन आई स्टार्टड रीडिंग एंड स्टार्टड सींग दैट अराउंड द वर्ल्ड हाउ पीपल फ्राम यंग एज हु आर स्लीपिंग मोर उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है उनकी बॉडी कैसे फंक्शन होती है वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो ज़्यादा काम कर पाते हैं सो आई गॉट एक्साइटेड एंड देन फर्स्ट रूल ऑफ एन ऑनटरप्रिनर वॉट एवर यू कॉन्ट मेजर यू कॉन्ट चेंज करेक्ट लाइक लेट मी स्टार्ट मेजरिंग तो मेजर करने के लिए फिर मैंने ये बैंड्स वगैरह सब ट्राई करने लगा कि ऑल रिंग्स अल्ट्रा ह्यूमन रिंग ट्राई करी बूप ट्राई किया योर फिट बिट ट्राई किया सब लाइक स्टार्ट इट डूइंग ऑल ऑफ दिस एन गॉट ऑन दिस जर्नी ट्रैक फॉर अ योर माई एवरेज स्लीप फॉर अ योर वॉज फोर आवर्स ट्वेंटी थर्टी मिनट्स

पूरा एक्साइटेड होने के बाद भी रोज़ सुबह मेरी मॉर्निंग्स इतनी बेकार होती है ना क्यों उठ नहीं पा रहा हूँ शुगर क्रेविंग पीक पे हर चीज़ शुगर 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 ही खाना है सो so, इतनी सारी ये चीज़ें थी एंड ऑल ऑफ दिस जिस डिस वैन आई स्टार्ट स्लीपिंग मोर लाइक डिसअपेयर तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिया बट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड सिग्निफिक मेरी टीम ने बोला कि दो महीने में बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में चेंज दिखना लग गया है

celebrated right nah, it has celebrated come to office and say Main baje kiya. you are given a pat in the back you come and say Main soya, you are branded as lazy yeah so in India and I think all over the world all over the as world as this is as the as case. An image issue right when I go for my talks Etc I tell people and some of my friends who come to me for advice yeah. or colleagues who come my Chabot only hai. question to them is first forget about anything can you sleep for eight hours otherwise, there is nothing i can do with you on nutrition. i can do nothing on supplements. i can do nothing on exercise. can you sleep for eight hours? and trust me, most of them find it very difficult. yeah. the question is because you think sleep is unproductive. that's how the society has built this whole culture around sleep, right? anything living, world, from plants to animals to ocean life to humans, every living thing sleeps. आई एम अ वेरी बिग लर्नर ऑफ इवोल्यूशन एवरीथिंग इन इवोल्यूशन हैचर है और आप तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जस्ट गो बैक थाउजेंड इयर्स टू थाउजेंड ईयर्स बैक हंटर गैदर की सोसाइटी थी जंगल्स थे हमारे एनसेस्टर्स वो लोग को भी रात को आठ घंटा कोई चॉइस ही नहीं थी सोनी पड़ती थी बिकॉज मदर नेचर सुला देता है आपको ये रात को जब आप सोने जाते हो चांसेस है कोई आपको आके खा जाएगा उस टाइम में आपके खाली दो ही काम था एक काम था खाना खोजना और खाना और दूसरा था प्रोड्यूस करना राइट आप सोते हो तो ना आप खाना खोज रहे हो ना आप सेक्स कर रहे हो मदर नेचर आपको सुला रहा है फ्रॉम यू हंटिंग द प्रे यू आर बिकमिंग द प्रे उसके बावजूद भी इवोल्यूशनरी सब चेंज हुआ हमारी ब्रेन की साइज इतनी छोटी होती थी अब इतनी बड़ी हो गई हमारे जॉस बड़े हो गए हमारे आर्म्स लेग सब इवॉल्व हुए स्लीप वही का वही है इतना बेवकूफ तो मदर नेचर नहीं है कि समथिंग दैट हम मैनकाइंड समझते हैं जो अननेसेसरी है, उसको बिलियंस ऑफ इयर से प्रिजर्व किया है और ऐसा प्रिजर्व किया है कि यार सोलह घंटे के बाद स्लीप प्रेशर बढ़ता है और आप सो ही जाते हो ट्राई करो दो रात नहीं सोना सबको आपको पता है आपके गिनीस बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा बाकी सब चीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेंगे Somebody यू has नॉट स्लेप्ट उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीस ने ट्राई किया कि देखते हैं आदमी कितना जग सकता है सो so, जब इन्होंने ये ट्राई किया विद इन थ्री फोर डेज जो नहीं सोए थे उसमें इतने मेजर मेटाबॉलिक चेंजेस आना शुरू हुए दैट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू व्यूट टू स्विच ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड वेदर इट वॉज ब्लड प्रेशर वेदर इट वॉज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एवरी थिंग वेन थ्रू द रूफ एवरी सिंगल मेटाबॉलिक यू आदमी मर जाएगा सो so, नॉर्मली हम लोग ऐसे बात करते हैं ना सो जा अरे आई विल स्लीप एंड आई डाई साइंस इज इफ यू डोंट स्लीप यू विल डाई इफ यू और आपने बोला आप चार घंटा सोते एक साल का नॉर्मली सात और नौ घंटे के बीच में ऐसा कोई साइंस नहीं कि आठ ही सोना बट सात और नौ के बीच में इस था मिनिमम hmm. अगर आप छह घंटा से कम सोते हैं यू आर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अब बाई थ्री हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट Your ऑफ डाइंग dying हार्ट अटैक गोज goes up by 200%. परसेंट बट वाई आप ट्रैक करते हो मैं भी ट्रैक करता हूं अब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है आपकी आपने चेक किया है कभी एचआरवी नहीं है एचआरवी okay. नहीं रेस्टिंग हार्ट रेट एचआर राइट मेरी अबाउट फोर्टी एट है जब मैं सोता हूं तो मेरी हार्ट रेट फोर्टी एट है ठीक है रात को जब मैं उठता हूं तो ये हार्ट रेट करीबन नब्बे नाइनटी नाइन्टी फाइव बीट्स पर मिनट चली जाती है दोनों में डिफरेंस क्या है फोर्टी फाइव और नाइन्टी में कि भाई नाइन्टी बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहे हैं या फोर्टी फाइव बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहे हैं मतलब रात को हार्ट आराम कर रहा है hmm. हार्ट अटैक तो कम होंगे ना हार्ट इज वर्किंग बिकॉज हार्ट इज वर्किंग ब्लड फ्लो इज लेसर

तो देखा कि हम लोग स्टेजेस में सोते हैं राइट जब हम लोग सोने जाते हैं तो हम लोग सो जनरली स्लीप के दो स्टेजेस होते हैं एक बोलते हैं एनड्रेम स्लीप और एक बोलते हैं रेम स्लीप एंड्रेम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट में हम सो रहे हैं लेकिन हमारा आईबॉल हॉरिजोंटली मूव करता है सो तो जब हम अवेक होते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन का जो वेव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं एकदम वॉलेटाइल बिकॉज मैं और आप बात कर रहे हैं कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है मैं बोल रहा हूं आप सोच रहे हैं तो वेरी एक्टिव जब आप सोते हैं जो फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप तो सडनली ये वेव्स एकदम शांत हो जाते हैं आपको सुलाते हैं ये लाइट स्लीप का भी अपना एक महत्व है क्यों नेचर आपको पहले लाइट स्लीप देता है फिर डीप स्लीप में डालता है एवरी सेकेंड में और आप ह्यूमन बींग्स को इलेवन मिलियन बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है आप मेरे से बात कर रहे हैं आपका अटेंशन इधर है नहीं लेकिन मेरे कलर देख रहे हैं ये देख रहे हैं पीछे का कुछ दिख रहा है अब पर सेकंड पूरे दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन आई ब्रेन को रात को डिसाइड करना है इसमें से राज के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है राइट right? जो अन है वो उसको रिसाइकल बिन में डाल देता क्यों क्योंकि अगले दिन मेरे को सोचने के लिए मेरी रैम क्लियर हो जानी चाहिए ब्रेन की अदरवाइज तो मेरा कंप्यूटर स्लो hmm. हो जाएगा सो so, जब हम लाइट स्लीप में होते हैं तो सारी जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है आपके ट्रॉमा को इनएक्सेसिबल फोल्डर में डाल देता है ताकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सके ये होता है लाइट ये ब्रेन का काम है आपके लिए hmm. जैसे आप डीप स्लीप में जाते हैं डीप स्लीप में जैसे ऐसे ऐसे वेव्स दिखेंगे एकदम ऊपर जा रहा है फिर एकदम नीचे आ रहा है सिर्फ सिम्फन है जैसे आपने ओ इट्स लाइक अ मंत्रा द ब्रेन इज चैंटिंग बट वो क्या कर रहा है अपने ब्रेन में आपको पता है हमारा ब्रेन दो परसेंट बॉडी वेट है टू परसेंट ऑफ बॉडी वेट इज ब्रेन बट ये कैलरीज ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडी की कंज्यूम करता है इतना एक्टिव ऑर्गन है आप जब सुबह वॉशरूम में जाते हो जो निकलता है वो एट्टी परसेंट कैलरी है ट्वेंटी परसेंट ब्रेन में वो ब्रेन कैसे निकालता है उसको वॉश कैसे करता है okay. इसको एमिलॉइड प्लाक बोलते हैं ये एमेलॉइड प्लाक जब हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं ब्रेन के जैसे हमारे कोविड के टाइम में वो ट्रक्स निकलती थे ना मच्छर को मारने के लिए mm -hmm. और मलेरिया में निकलती है वैसे ब्रेन व्हीकल्स को भेजता है हमारे नर्व्स और न्यूरॉन्स में कि ये सारा निकाल निकालो अल्जाइमर की ब्रेन जब इन्होंने कट की अल्जाइमर पीपल कांट स्लीप ओके तो उनकी जब ब्रेन को कट की तो ये एमिलेट प्लाक बहुत बढ़ गया था जैसे हार्ट अटैक होता तो आर्टरीज में जाते हैं तो आपको प्लाक दिखता है ये ब्रेन की आर्टरीज का प्लाक जब हम लोग डीप स्लीप में सोते हैं तो ब्रेन का काम है ये एमिलइट प्लाक को क्लीन करना अगर आप नहीं सोओगे योर चांसेस ऑफ अल्जाइमर गोज अव हंड्रेड परसेंट राइट right? ये तो है एन रेम की बात फिर हम लोग आते हैं रेम स्लीप ओके बिफोर दैट कैन यू एक्सप्लेन अल्जाइमर सब लोगों को इजी लैंग्वेज में क्या होता है अल्जाइमर वो बीमारी है जब जैसे मेरी मासी को अभी हुई है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता डिमेंशिया और अल्जाइमर में आप सोचिए दोनों सेम है डिमेंशिया और अल्जाइमर क्या अलग डिमेंशिया इज अ स्लाइटली एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर ओके अल्जाइमर में यह होता है कि आपने जो पूरे लाइफ में मेमोरीज बनाई अब आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो मेरा बेस्ट है मेरी डॉटर्स के साथ खेलना है जस्ट इमेजिन 80 साल का हुआ ये सब वाइप आउट हो गए फिर आपको शॉर्ट ब्रेक्स में कुछ याद आएगा फिर आप भूल जाते हो ये अल्जाइमर है इंडिया में तो अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, नहीं है यूएस में इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक एंड कैंसर नंबर थ्री इज अल्जाइमरस वो ऐसे ही नेचर आपको नहीं सुला रहा 8 घंटा मेरे भाई फिर आप जाते हैं रेम स्लीप है। में रेम स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट आपके आईबॉल्स दिस इज द टाइम व्हेन यू ड्रीम ड्रीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में पुराने टाइम में जब कोई शेर ने या कोई एनिमल ने आपको काट दिया आपके हाथ को क्रैश कर दिया ट्रॉमा हो गया अगर उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं आओगे तो नेक्स्ट डे आप हंट नहीं कर पाओगे आपके बच्चे भूखे तो रहे रहेंगे रहे। तुम्हें तो ट्रॉमा से बाहर कैसे आओ जब हम लोग सोते और ड्रीम करते हैं तो ब्रेन इस ट्रॉमा को डील करने के लिए आपके साथ ड्रीम प्ले आउट करता है स्लीप इज मदर नेचर वे ऑफ यू एंड आई टू डील विथ ट्रामा दैट वन पार्ट ऑफ स्लीप आज हम लोग ने इतनी बात की कभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे आपके हाथ में इतने सवाल हैं बट आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स की टीचर स्लीप ओवर इट कभी सुना है क्यों बोलते थे स्लीप ओवर इट जब हम सोने जाते हैं ड्रीम्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता सब आप उठते हैं सडनली आपके पास आंसर आ गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन

जब आप रेम स्लीप में जाते हो हमारे यहां की जो स्टेम है बॉडी आपको गर्दन के नीचे पैरलाइज कर देती है एवरी सिंगल नाइट बिटवीन टू एंड फोर आवर्स यू आर पैरलिटिक इन कोमा ओके बिकॉज द ब्रेन डजेंट वॉन्ट द बॉडी टू एक्ट आउट द ड्रीम

अपन को क्यों क्रेविंग वाले फूड ही खाने का मन करता है शुगरी फूड सॉल्टी फूड चिप्स कोला तब ऐसा क्यों नहीं लगता है चलो यार एक रोटी सब्जी खाई जाए जब कम सोता हूँ तब नहीं लगता है रोटी सब्जी खाने का बिकॉज जब आप कम सोते हो द ब्रेन इज नॉट गेटिंग टाइम टू फंक्शन सो ब्रेन इज सर्चिंग फॉर दैट नेक्स्ट डोपोमिन हिट वो रोटी सब्जी से नहीं मिलता है वो अपने को पैलेटेबल हाईली पैलेटेबल फूड से होता है दूसरा पॉइंट जब अपन कम सोते हैं सो ओके स्लीप का जब हम लोग साइकिल uh, में सोते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हार्मोन के ऊपर इंपैक्ट करता है हमारे सेक्स हार्मोन्स है टेस्टेस्टोर एस्ट्रोजन, वुमेन के है पीक हार्मोन क्रिएशन हैपेंस इन स्लीप इफ यू आर अंडर स्लीपिंग वाई डू यू बिकम ओबीज और वाई यूर चांसेस ऑफ गेटिंग ओवर वेट आर हायर बिकॉज द हॉर्मोन्स है रोल हार्मोन्स आर नॉट गेटिंग जनरेटेड अगर मेरा एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ आपके केस में डेस्टोस्टोरन कम डेवलप हुआ तो मसल कहां से बनेगा भाई क्योंकि पिक टेस्टोस्टोर विच इज वाई पीपल हु अंडर स्लीप कॉन्ट हैोर सेक्स मेरा तो जो व्हीकल है वो ही नहीं है लास्ट चीज स्लीप क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए होता है दैर इज समथिंग वॉट इज टाइमिंग ऑफ द स्लीप ओके टाइमिंग का क्या महत्व है नॉट द नंबर ऑफ आवर्स टाइमिंग क्या है कि आ, हम लोग सबका स्लीप का क्रोनोटाइप अलग है ऐसे तो बहुत सारे क्रोनो लार्जली तीन क्रोनो टाइप है एक मॉर्निंग पर्सन होता है एक इवनिंग पर्सन होता है और एक जिसको हम लोग इन बिटवीन बोलते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होता है वो आठ बजे शाम रात को सोना प्रेफर करेगा जो इवनिंग पर्सन है वो रात को बारह बजे करेगा और इन बिटवीन है वो लगभग दस बजे करेगा इवनिंग पर्सन रात को बारह बजे से हो जाएगा रात को बारह बजे उसका एडिटिन हाई होगा वो बारह के आसपास उसको नींद आना शुरू होगी बारह दो तीन तक बारह एक दो वट राइट मॉर्निंग पर्सन को आठ और नौ के बीच में आना शुरू होगी सो so, दो तीन घंटे का शिफ्ट होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इन बिटवीन इन बिटवीन टू दिस ये जेनेटिक है हमारे बॉडी के अंदर में नौ जीन्स है जो डिसाइड करता है राज मॉर्निंग है इवनिंग है या इन बिटवीन है ओके okay. इसको आप चेंज नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक स्टडी की थी ट्राई की ग्यारह फैक्टर थे बहुत डिफिकल्ट चेंज करना इंपॉर्टेंट है जानना कि आप मॉर्निंग है इवनिंग है या इन बिटवीन है ये कैसे जान सकते हैं बहुत सिंपल है देर इज अ मॉर्निंग टाइप मॉर्निंग इवनिंग क्वेश्चन है एम करके कोई भी गूगल करेगा आ जाएगा 19 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने कितने बजे सोते हो कितने बजे उठते हो अगर आपको आ, दो घंटा ज्यादा सोना पड़ेगा तो आप स्ट्रेस लोगे उसके उन्नीस सिंपल क्वेश्चन के आंसर है वो दोगे आपको बता देगा आप मॉर्निंग टाइप है कि इवनिंग टाइप है ओके okay. प्रॉब्लम यह होता है अगर प्रशांत देसाई फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है और मैं अगर इवनिंग की तरह सोने जाता हूँ विच इज नॉट एज पर माई क्रोनो टाइप देन अ प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा जब इन्होंने रैंडम स्टडी की थी आदमियों से एक क्वेश्चन ने निकाला इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वन थर्ड मॉर्निंग वन थर्ड इन बिटवीन वन थर्ड इवनिंग यू नीड टू स्लीप एज पर योर क्रोनोटाइप दैट्स दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी स्लीप और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत झगड़े होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में टीनेजर्स डोंट वॉन्ट टू स्लीप एट टेन पेरेंट्स वॉन्ट देम टू स्लीप एट टेन पेरेंट्स आर रॉन्ग किड्स आर राइट क्यों जब अपन बॉर्न होते हैं इन्फेंट कितने घंटे सोता है चौदह सोलह अट्ठारह बेचारा सोता ही रहता है राइट right? तब क्यों आपका पेरेंट टीनेज को नहीं बोलता है अट्ठारह घंटा सो क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम विद अवर बर्थ कीप्स शिफ्टिंग सो प्री प्यूबर्टी पीपल किड्स विल स्लीप मोर टेन आवर्स ट्वेल्व आवर्स तो आराम से सोएंगे जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाती है एज समबडी हु टिल द एज ऑफ थर्टी थर्टी फाइव योर सर्केडियन रिदम हैज शिफ्टेड यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप एट द सेम टाइम एज आई एट फिफ्टी टू विल बी एबल टू स्लीप बिकॉज नेचर हैज शिफ्टेड योर सर्केडियन रिदम वे इट्स इवोल्यूशनरी बिकॉज किड्स मोर एक्टिव वट एवर राइट मेरी डॉटर बीस साल की है मेरी वाइफ ऑलवेज शाउट करेगी कि दस बज के सो जाओ रॉन्ग शी वी शुड स्लीप एज पर हर सर्केडियन रिदम एट ट्वेल्व वन वेन एवर शी इज कंफर्टेबल इंपॉर्टेंट मैसेज टू माई डॉटर इज इफ यू स्लीप एट वन प्लीज डोंट मेकअप बिफोर नाइन सो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूं कि तू मेरी बेटी को बोल रही हो ना दस बजे सोने का कल से एक वीक के लिए तुम एक बजे सोगे रात को जितना डिफिकल्ट मेरे लिए है रात को एक बजे सुनना उतना ही डिफिकल्ट टीन एजर के लिए दस बजे या आठ बजे सोना जिस दिन ये हम समझ जाएंगे we will start respecting them because उनकी पीक प्रोडक्टिविटी रात को होती है। yeah. हमको तो सोना है ये बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप है जैसे आप थर्टी फाइव को क्रॉस करोगे अगेन आपकी सर्किडियन रिदम शिव अब मैं चाहूं तो भी मैं बारह बजे तक नहीं जग सकता hmm. तो स्लीप में इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग इंपॉर्टेंट महत्व है okay. मेरे जो फ्रेंड्स कभी जो जिनको प्रॉब्लम है चार पाँच घंटे से ज़्यादा नहीं सोते मैं उनको बोलता हूँ तो सो मत अभी द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज़ वन डे पुश योर सेल्फ सोलह घंटा अट्ठारह घंटा बीस घंटा मैं काम करूँगा सोऊंगा नहीं एडोन इतना बढ़ेगा कि एक बार आपको सुला देगा जापान में ये स्टडी हुई थी hmm. तो बच्चे ये नहीं सो पा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्लीप प्रेशर बिल्ड करने दिया पहले दिन साढ़े ग्यारह घंटा सोए दूसरे दिन साढ़े दस तीसरे दिन साढ़े नौ चौथे दिन आठ चौथे दिन से लेकर पंद्रह दिन आठ ही घंटा सोए क्योंकि आपने इसलिए प्रेशर आस्ते आस्ते कम कर दिया तो अब काम है और आपको करना है कर लो मेरा खाली एक ही मैसेज होता है कि यार अल्टीमेटली हम लोग सब प्रायोरिटी एनिमल्स है राइट hmm. अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है और अगर आप इस तरह से सो रहे हो वन थिंग इज वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ चाहे आप कितना क्लीन खा रहे हो कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो जब तक आपका स्लीप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है इट विल नॉट गिव यू द डिजाइड बेनिफिट्स सो क्वेश्चन ऑन दिस इन सब में बीच में हम बात करे थे हार्मोन्स लेवल की सेक्स लेवल की ब्रेन डेवलपमेंट की फैट लॉस की बहुत सारी हमने बातें करी राइट आई यू सींग इन आई जस्ट आई एम जस्ट पिकिंग पार्ट ऑफ इट ओके क्या आप ये बोल रहे हो कि मोस्टली लोग ओबेसिटी के शिकार बन रहे हैं या फैट हो रहे हैं बिकॉज़ वो सो ढंग से नहीं रहे बहुत बड़ा रीजन है खाली एक रीज़न तो नहीं हो सकता ऐसी हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ऐसी है कि हम लोग को चाहिए मैं हेल्थ को इतना सिंप्लीफाई कर लूँ कि फिर मैं खाली सोने पे करूँ और फिर मैं मोटा नहीं हूँ नहीं इट इज़ मल्टीपल बट इट हैज़ अ डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट क्यों डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मतलब कितना मेजर नहीं हुआ है क्योंकि okay. सपोज राज ने चार किलो फैट ऐड किया अब वो चार किलो फैट के बिहाइंड में अंडर स्लीप कितना था न्यूट्रिशन कितना था इनएक्टिविटी कितनी थी मैं नहीं मेजर कर सकता हूँ राइट तो साइंस के पास उसका आंसर नहीं है ये आंसर है रेंडम ट्रायल्स में कि यार दो जन की सेम एक्सरसाइज रूटीन थी सेम न्यूट्रिशन था एक सो ज्यादा रहा था एक कम सो रहा था जो कम सो रहा था वो ज़्यादा मोटा हुआ ये साइंस ने किया बट क्यों होता है बिकॉज जब आप कम सोते हैं अब एक एक्सपेरिमेंट करना आप मैं तो ये पहनता हूं तो मैं ब्लड ग्लूकोज से करता हूं अगर आप छह घंटा सोओगे और आप आठ घंटा सोओगे आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं मिला वो ग्लूकोज को क्लियर करने के लिए राइट तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कम सोने ज्यादा बढ़ जाएगा कम सोते हो तो बढ़ जाता है जब आप कम सोते हुए सोते हो आपका फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ता है इट बहुत सिंपल है इट इज इंपैक्टिंग समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस इट यूर यू आर बींग मेड इंसुलिन रेजिस्टेंट इट इज ऑल्सो बीन लिंक्ड कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है इन द बॉडी इन्फ्लेमेशन क्या होता है सिंपल इन्फ्लेमेशन uh, जब आपको uh, कोई भी लगती है <clears throat> <coughs> तो यहाँ फूल जाता है राइट आपका <coughs> फूल क्यों जाता है मगर इन्फ्लेमेशन आ गया इन्फ्लेमेशन मतलब कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है बॉडी ने सोल्जर्स को भेजे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है कभी आप देखेंगे जब कोविड के अगर आप डेटा देखेंगे एट्टी फाइव परसेंट पीपल हु डाइड हैड वेरी लो इम्यूनिटी बॉडी डिड नॉट हैव इनफ बी सेल्स एंड टी सेल्स टू फाइट द पैथोजन वेर एज यंगस्टर्स में डेथ नहीं हुई क्यों एल्डर पीपल बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर योर इम्यूनिटी कम्स डाउन इम्यूनिटी इज बॉडीज अबिलिटी टू डील विथ आउटसाइड एजेंट्स जब सोते हैं ये आपकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरऑल करता है तो नए बी सेल्स बनते हैं नए टी सेल्स बनते हैं लेकिन जब आप नहीं सोगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी जो कम सोते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ये तो फैक्ट है क्या ब्लड शुगर्स बढ़ जाता है

मैं जब खाता हूँ तो मेरे ब्रेन को ज़्यादा टाइम में पता ही नहीं चलता है कि मैं फुल हो गया हूँ दैट्स सटाइटी लेवल राइट तो उसको मेरा स्कोर इज़ मतलब माइनस फाइव दैट इज़ जो टेस्ट था उसमें दैट इज़ वेरी पोअर कि मैं खाता हूँ थोड़ी देर में फिर मुझे एक घंटे फिर भूख लग जाती दो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए मैं फुल हूँ लेकिन मेरे ब्रेन को कॉन्सटेंट लग रहा है कि मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए और मैं खाते ही जाता हूँ खाते ही जाता हूँ

हाई वेलासिटी हाई वेलासिटी चिप्स फटाफट खा सकता हूँ जूस पी सकता हूँ कोक पी सकता हूँ दे आर ऑल पैलेट प्रोसेस फूड या अल्ट्रा प्रोसेस को इज अज अ बेटर डेफिनेशन द अगेन उसमें वही होता है ग्लूकोज स्पाइक एंड क्रैश जब मैंने एक पैकेट चिप्स खाया या एक कोक पी ली तो एक हाई तो मिला शुगर हाई द वॉट हेपन्स इज आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम ऊपर चला गया ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है इज के फॉर द फॉर योर बॉडी विल कम टू दैट इन अट स्लीप के बाद उस पर बात करेंगे नाव बॉडी ने इंसुलिन बनाया ये सारा ब्लड ग्लूकोज को निकालने के लिए बिकॉज अगर ये ब्लड ग्लूकोज आपके सर्कुलेशन में रहा देन तो केस तो फट से वो निकाले आप यंग हो तो और इंसुलिन आ रहा है जूम करके क्रैश हो गया क्रैश होने का मतलब वापिस भूख लगी तो जब आप शुगरी फूड्स खाते हैं बच्चों में क्यों होता है एक शुगर हाई आता है फिर क्रैश होता है

जब ये क्रैश हो रहा है तो कहीं तो जा रहा है ये ग्लूकोज ये अल्टीमेटली आपके फैट सेल्स में ही जा रहा है अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो हमारे फैट की एक कैपेसिटी है फैट को आप समझ लो एक बाथटप की तरह सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है राइट सबसे पहले हमारे बॉडी में फैट जरूरी है इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं विच इज नेसेसरी फॉर द बॉडी तो पहले ये फैट सेल्स में डालते जाता है तो जब तक ये स्किन के ऊपर का फैट है आई एम ओके it doesn't cause any havoc. You you may look fat, but metabolically you are still इट डज hmm. but एनी yeah, है अब क्या sabki सबकी बाटअप की capacity अलग होती है पतले की एकदम कम होती है आपके वो न्यूट्रिशन को चाहे थे वो पतले तो उनकी बाथटअप की कैपेसिटी मैं थोड़ा मेरी बड़ी है मोटे की और बड़ी होगी तो सबकी बाटअप की कैपेसिटी अलग है तो दो चीज पे डिपेंड करता कितनी बड़ी बाटअप की कैपेसिटी और कितना पानी चालू किया hmm. पानी चालू करना तो आपके हाथ में को बिस्किट पिज्जा ब्रेड वट एवर राइट अगर आपका बाटअप छोटा है तो आपके फैट सेल भर गए फिर पानी ओवरफ्लो शुरू होना तो आपके फैट सेल स्टार्ट लीकिंग फैट जब ये फैट लीक करता है तो ये आपके ऑर्गन्स के पास जाता है सबसे पहला लिवर के ऑर्गन्स में जाएगा फिर मसल में जाएगा फिर हार्ट में जाएगा फिर पैंक्रियाज में जाएगा इसको हम लोग विसेरल एडिपोसिटी बोलते हैं फैट लीकेज इज अ बिग इश्यू बिकॉज योर ऑर्गन्स आर गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर फैट इज कवर्ड देम। अब आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं एल्कोहलिक को लिवर डिजीज क्यों होता है एल्कोहल hmm. एल्कोहल में इथेनॉल होता है इथेनॉल इज मेटाबोलाइज बाई योर लिवर योर स्टमक कैंड मेटाबोलाइज इट ठीक है मेथानॉल अपने लीवर में गए वही चीज़ हुआ एक्स्ट्रा 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 एक ड्रिंक दो ड्रिंक तीन ड्रिंक कितना लिवर फैट बन गया तो इसको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं और पीओ इसका सेकेंड स्टेज हो जाता है नैश उसका थर्ड स्टेज होता है लीवर सिरोसिस, उसके बाद आपको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए नाइनटीन तक एवरीथिंग वॉज गुड में दे स्टार्टेड सडनली सींग ये जो नॉन एल्कोहलिक लिवर है ना किड्स में देखा गया नॉन अल्कोहलिक जो लिवर फैट है लिवर hmm. फैट तो लिवर फैट है ये पहले खाली अल्कोहलिक्स में दिखता था एटीस के बाद बच्चों में देखा गया है जो कभी नहीं पीते उनके बाद भी सर, बच्चा दारू कहाँ से पी रहा है लेकिन लिवर फैट है एक यूनिक डिस्कवरी हुई यार बच्चों को इन डिजीज को इन्होंने नाम दिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ओनली लार्जली सीन इन किड्स हू डोंट ड्रिंक आई हैल्कोहलिक फैटी लिवर एन आई डोंट ड्रिंक वाई तो इसको डिकोड करते हैं हम आपके सामने तो चलिए मिस्ट्री सॉल्व करते हैं एवरी टाइम यू विल ईट फ्रक्टोज विच इज शुगर इन वॉट एवर फॉर्म वे दैट इट इज फ्रूट जूस इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रूट जूस इज बैड फ्रूट जूस इज नॉट हेल्थी बिकॉज दैट इज अक्विड फ्रुक्टोस इट विल इमीडिएटली गेट अब्सॉर्व और फिर उसके पास चॉइस ही नहीं है लिवर के पास चॉइस ही नहीं है उसको कन्वर्ट ही करना है फैट में इसलिए किड्स में दिखने लगा क्या कहते हैं किड्स ब्रेकफास्ट में टोस्ट शुगर कॉर्नफ्लेक्स शुगर फ्रूट जूस शुगर तो ये सब किड्स में भी वही कन्वर्ट हो रहा है जंक wow. फूड

उस टाइम में सो so 1700s हंड्रेड शुगर और ये जो अपने डिजीज की बात करें और ओनली सीन इन सुपर रिच पीपल इंक्लूडिंग पोप्स एंड किंग्स बिकॉज वो लोग ही शुगर अफोर्ड कर पाते थे शुगर वॉज स्केर्स वेरी एक्सपेंसिव इन नाइनटीन हंड्रेड दिस बिकेम अ डिजीज ऑफ द मासिस एज शुगर प्राइसेस केम डाउन सम स्टेटिस्टिक्स 1940 one out of 400 people had diabetes 1940 one out of 4 people had diabetes. 400 people 400 okay 1970 one out of 40 today one out of 3 what are you saying one out of 3 people have diabetes in india india has 400 million pre and diabetics

विच इज द हाइस्ट नंबर ऑफ सेंटीनेरियंस मतलब पीपल देन हंड्रेड ईयर्स तो ये सब जगह गया सारडीना हुआ ग्रीस में हुआ इटली में हुआ जापान में ओकिनावा हुआ एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग नेट नेट जियो डॉक्यूमेंट्री उन ब्लू जोन नेटफ्लिक्स में भी अभी आ गई थी एंड स्टार्ट टेकिंग आउट कॉमेलिटी है एंड सब में कॉमनेलिटी निकली द लेटेस्ट ब्लू जोन टू बी एडेड वर्स सिंगापुर राइट सिंगापुर हैज़ द हाइस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी टूडे एटी फाइव ईयर्स इंडिया इज हैज सिक्सटी नाइन ईयर्स मैं सिंगापुर में था तो उसके ऊपर और थोड़ा स्टडी करने की ट्राई किया तो मैं सिंगापुर में गया यार हर एक जगह इंक्लूडिंग स्टारबक्स वहाँ पर हर एक ड्रिंक के नीचे ए बी सी डी कुछ लिखा हुआ है एंड लेबल तो क्यूरियासिटी तो और थोड़ा स्टडी किया सो सिंगापुर टुडे हैज़ फोर लैक डायबिटीज डाइबिटिक पीपल they feel that by 2050 they will have 1 million diabetic hmm. why is this a problem for them when they looked at medical records 70% of people who had kidney failure were diabetics okay 50% hmm. people who died of heart attack and stroke were diabetic इंटी परसेंट पीपल हुन और डायबिटिक दे रियलाइज दैट डायबिटीज है डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्पेंड एंड ऑन हेल्थ स्पेन बोथ एंड इसका कल्प्रिड लिक्विड शुगर तो दे डिक्लेयर अ वॉर ऑन लिक्विड शुगर ऑन लिक्विड शुगर So, आज सिंगापुर में आप कहीं भी जाओगे सो दे ए बी सी एंड डी कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द लिक्विड शुगर दे फर्स्ट स्टार्टेड विद पैकेज ड्रिंक नाउ एवरी सिंगल कॉफी शॉप हैज टू डिस्क्लोज़, राइट इफ यू आर सी एंड डी विच इज मोर देन फाइव परसेंट एंड मोर देन टेन परसेंट शुगर देन इट हैज कम इन द फ्रंट ऑफ द लेवल इट कैन बी बिहाइंड लेवल इफ यू आर रेडी यू कैन एडवर्टाइज में स्टारबक्स में जाके मैंने देखा Every single drink was either a C or a D. The only drink which had A was black coffee. Hmm. So, my Everstone runs Subway in India. So, Subway ke through Connect, Nikla, Starbucks. One of the more famous drinks in India, Java chip frappuccino. Yeah. A tall Java chip frappuccino hmm. has 59. ग्राम्स ऑफ शुगर ओके विच इज फिफ्टीन टी स्पून ऑफ शुगर पंद्रह चम्मच एक जावा चिप रेपोचिनो में एक कॉफी के ग्लास में मैंने वहां की कोक और हमारी कोक कंपेयर की सेम कोक सब जगह बना रही है सिंगापुर में वो जो कोक का कैंड बेचते हैं उसमें ग्यारह ग्राम शुगर इंडिया में जो बेचते हैं उसमें ट्वेंटी नाइन ग्राम शुगर टू पॉइंट थ्री टाइम्स मोर शुगर इन इंडिया बट इफ इट्स अ थिंग वाई नॉट दे डू इट अराउंड वर्ल्ड हर कंट्री में ग्यारह ग्राम क्यों नहीं बेचते क्यों करेंगे क्यों जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा है एडिक्टिव मैं आपके पास पंद्रह ग्राम

मैंने एक्चुअली इतनी रिसर्च करने के बाद फिर ये चेक करने के बाद कि साल भर में चार घंटे सो रहा हूँ सब किया ऑल दैट जिस दिन में ज़्यादा सो रहा हूँ प्रोडक्टिविटी दैट असाइड मेरा बिग चेंज uh, कि मैं अब सोंगा ज़्यादा हेल्थ ज़्यादा हेल्प खुद की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दूँगा बॉज आई रेड अ रिसर्च कि जो लोग कम सोते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं करेक्ट

ज द इट्स नॉट अ कंडीशन ये समझना जरूरी है वो डिसीज है इट इज द लास्ट स्टॉप ओके टेक अ स्टेप बैक व्हाट आर द फोर बिग किलर्स इन द वर्ल्ड नंबर वन हार्ट अटैक नंबर टू रेस्पिरेटरी डिजीज नंबर थ्री कैंसर नंबर फोर अल्जाइमर राइट डायबिटीज इज द लास्ट स्टॉप उसके बाद hmm. Hmm. ये ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाती है और एक्सीटर फुल स्पीड योर चॉइस वेदर योर नेक्स्ट स्टेशन इज गोइंग टू बी हार्ट अटैक वेदर इट्स गोइंग टू बी स्ट्रोक वेदर इट्स गोइंग टू बी कैंसर वेदर इट्स गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी और अल्जाइमर अल्जाइमर इज टूडे कॉल्ड टाइप थ्री डायबिटीज अभी आपने बहुत सुना होगा पचास साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया चालीस साल की उम्र में हार्ट अटैक साल में आ गया हार्ट अटैक ओके सो नाउ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एथरसिस यू मस्ट नो

उसको नोमिन क्लिचर वाइज स्ट्रोक बोलते हैं इसको स्कीमिया बोलते हैं या हार्ट अटैक वियटनाम से जब सोल्जर्स वापस आ रहे थे वर्ल्ड वॉर वन से यूएस में जब सोल्जर्स एज उनका ऑटोप्स किया गया हुँ. उसके ऑटोप्सी में ऑलरेडी इन्होंने प्लाक फॉर्मेशन देखा जो वर्ल्ड वॉर से वापस आ रहे थे हार्ट का जो डिसीज है जिसको हम लोग एथस बोलते हैं ये आपके टीन्स में शुरू हो जाता है मेरी डॉक्टर को भी आज 20 साल की है मैं अंदर में कैल्शियम एनजीओ सी स्कैन करूंगा या सीटी एनजीओ करूंगा प्लॉक बिल्डअप शुरू हो, हो गया हम लोग सब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसको डेकेड्स लगते हैं टू मैनिफेस्ट 20 30 40 50 60 साल लगते हैं टू कंपाउंडिंग राइट सेवन परसेंट ऑफ द डेथ इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर इज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स 93% इज फॉर एक्सीडेंट्स ना उस एज में और कुछ नहीं होता बट 7% इससे मरते हैं बट क्यों मरते कैसे मरते गरीब 50 साल के रोसेस है इसमें और एक इतने टाइम से डेकेड लगते हैं अगर उसको बनने में तो 18 साल में कैसे हो गया दो रीजन अगर मैंने बहुत ज्यादा बॉडी को डैमेज किया तो दूसरा एक हमारा जेनेटिक म्यूटेशन है जिससे आपका एक

ठीक थर्टी फाइव के ऊपर आप जाते हैं इट गोज थर्टी परसेंट राइट सो फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट अ डिजीज दैट सडनली शोज अप इन योर सिक्सटीज और फिफ्टीज और सेवेंटीज इट इज अ प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड अर्ली ऑन राइट इट टेट डेकेट्स टू मैनिफेस्ट इट इज कंप्लीटली अ लाइफ स्टाइल डिजीज अनलेस यू हैव एल्पी लिटल है जिसकी भी जेनेटिक टेस्टिंग एक ही बार करानी पड़ती है वो एपोबी के साथ इसकी भी टेस्टिंग होती है

You need to measure. this are as your in any disease in the world, your biggest risk is age. That you have to understand. I have a higher all-cause mortality to you because I am 52. I have to understand that. So if at 52 I have to do something, I have to do more than you. Mm. You have to understand that you can't start saving for retirement at the age of 60 you will create incredible wealth when you start investing at 25. it's the same with wealth. today's habits will give you exceptional returns as you move forward. but our medical world only looks at a five-year, 10-year risk. at 35, your 10-year risk of dying from a heart attack is negligible. measure but if heart attack takes 30, 40 years to develop, i want to assess your next 30-year risk today. that is a problem with what i call medicine 2.0 to today. आई विल वेट फॉर द सिम्टन टू हैपन क्या यूनिक हमारी मेडिकल सिस्टम है ना आपने ब्लड रिपोर्ट कराया ब्लड ग्लूकोज के लिए आपका ब्लड ग्लूकोज हेमोग्लोबिन एच वन बी सी आया सिक्स पॉइंट फाइव नॉर्मल दिखेगा एट सिक्स पॉइंट सिक्स यूर डायबिटिक आई हैव टू टेक प्रिकॉशन वेन यूर एट फाइव पॉइंट सेवन नॉट वेन यू आर एट सिक्स पॉइंट फाइव बट हमारा सिस्टम है ना आप डॉक्टर के पास कब जाते हो जब कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर भी वही करता है को ट्रीट करो तो और एक स्टेटिस्टिक देता हूं लास्ट पिछले सत्तर अस्सी साल में अवर लाइफ स्पेन इन इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड पैंतीस साल से सत्तर साल तक पहुंच गए hmm. रिमार्केबल अचीवमेंट लॉट ऑफ दिसर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ठीक है जैसे इन्फेक्शन कम हो गए डेथ्स कम हो गए बिकॉज तब मरते थे इन्फेक्शन या इंजरी से राइट right? सैनिटाइजेशन आ गया लाइफ स्पैन इंक्रीज ऑल्सो मेडिकल डेट अलॉट ऑफ वर्क दवाइया बनी सर्जरीज आई हॉस्पिटल्स बनी इफ आई टेक आउट ऑल दिस राइट कि भाई अगर सपोज आज भी आदमी इन्फेक्शन से मरता अगर मैं इन्फेक्शन वाले जो डेथ्स पहले होते थे उसके इसको रिस्क एडजस्ट करूं

मेरे सबसे एल्डेस्ट आ, कैसे पता चलेगा ये सिर्फ जैसे कर, फोन करके पूछने का है? मैं बताता हूँ तो मेरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा माय फादर इज इंसुलिन रेजिस्टेंट या ठीक है तो उनको दोनों टाइम इंजेक्शन लगती है माय ग्रैंड मदर डायबिटिक माय बुआ डायबिटिक माय अंकल डायबिटिक ना माई मॉम प्री डायबिटिक एंड सबको डायबिटीज हो रहा है ए मैं गया मेरे डैड के साथ आ, उनके डायबिटीज़ और डॉक्टर के पास उन्होंने बहुत जोकिंगली बचपन अरे मैं क्या सैंडविच खाते जा रहा था और छोटा ही था ने? बड़े जोकिंगली बोल दिया कि ये सब मत खाओ तुमको तो डायबिटीज़ होनी ही है डिले कर दो कम से कम बट लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा क्या तुम्हें होनी है तुम दूर हो सकता ऐसा कोके जिस इज डायबिटीज़ का देन my mother my mother's mother my nani died out of breast cancer short my mom's father died out of heart attack so the everything started ये सब जब ये मेडिकल हिस्ट्रीज और जब मैं मेडिसिन और इन सब के बारे में हेल्थ के बारे में जब पढ़ने लगा और समझने लगा ये सारी चीजें जो बहुत पता थी बहुत कैजुअली कभी ध्यान भी नहीं ये haunt करने लग गई क्योंकि okay, वो डॉक्टर का स्टेटमेंट घर में हिस्ट्री सबके घर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऑल ऑफ दैट एवरीबडी हैज़ ब्लड प्रेशर एवरीबडी इज़ डायबिटिक तो इतने सारा वो इश्यूज ऐसे डर लग लगे कि ओके वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट तो यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप जैसे सबका आपने बता दिया घर में कि सबसे पूछो किसकी डेथ कैसे हुई है या घर में फैमिली हिस्ट्री क्या है तो जैसे पकड़ लेते हैं अगर वन आउट ऑफ थ्री लोग डायबिटिक हैं तो मोस्टली हम अज्यूमिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी देख रहे होंगे उन सबके आसपास कहीं ना कहीं डायबिटीज है हार्ट हेल्थ की एवरी थर्ड थर्ड पर्सन उनको होगी तो अब अगर मुझे पता चल गई कि अब मेरे घर में डायबिटीज का ये प्रॉब्लम है तो अब क्या करना चाहिए द बेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट न्यूज इज दैट इट इज कम्प्लीटली रिवर्सल राइट डायबिटीज इज रिवर्सिबल ओके डायबिटीज रिवर्सिबल कैसे इंजेक्शन वाली भी

Two things, right? It can be reversible, or you can ensure that it doesn't increase. Okay. Right? That's in your control. Three things to know. One thing to know that you at some point of time you will have to take help of medication. Right? It's okay. Huh. Depending on the severity. The medication, I'm not talking about putting injection. बट यू इफ यू आर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर राइजिंग हमारा अगेन वही प्रॉब्लम है डॉक्टर आपका ब्लड ग्लूकोज चेक करेगा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग इंसुलिन नहीं चेक करेगा डायबिटीज हैपन्स बिकॉज यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट यूर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओबेसिटी ऑफ डायाबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस यू कैन गेट अ सिग्नल वेदर यू आर प्री और यू विल बी प्री डायबिटीड विथ टेन ईयर्स इन एडवांस

तो एवरेज नीचे गिरती जाएगी विच मीन्स डिस्पाइट यू हैविंग हायर ब्लड ग्लूकोज यू आर स्टिल नॉर्मल एंड यू गो बैक यूर डॉक्टर यू ऑल्सो वेरी हैप्पी तो सो सॉरी आई जस्ट आई एम सिंग इफ यू आर सीरियस अबाउट इट यू से आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट नॉर्मल लेवल्स आई वॉन्ट टू लुक एट ऑप्टेबल लेवल्स सो आई वॉन्ट माई फास्टिंग इंसुलिन बिलो सेवन बिल्ड सेवन आई वॉन्ट माई फास्टिंग ग्लूकोज बिलो नाइनटी राइट आई विल टेस्ट फॉर माई इंसुलिन बट आई विल यूज कॉल्ड ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अभी मेरे एक फ्रेंड का रिपोर्ट आया सब कुछ नॉर्मल था फिर उसके साथ ओजीटी टी किया पता चला वो सीवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंट ब्लड रिपोर्ट में दिखाई नहीं कैसे दिखाते हैं वॉट इज ओजी टी टी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट तो यू मेजर योर ब्लड योर ब्लड ग्लूकोज एंड यूर इंसुलिन एवरी थर्टी मिनिट सो आप आए मेरे पास मैं आपको 75 फाइव ग्राम्स ऑफ प्योर ग्लूकोज पिलाऊंगा द मोस्ट यके ड्रिंक इन द वर्ल्ड राइट फिर आपका मैं 30 मिनट के बाद ग्लूकोज मेजर करूंगा इंसुलिन मेजर करूंगा 60 मिनट्स के बाद 90 मिनट्स के बाद और 120 ट्वेंटी मिनट दो घंटे की है चार बार आपका ब्लड लूंगा इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और यू आर शोइंग साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट योर इंसुलिन विल रेस वेरी फास्ट एंड रिमेन एलिवेटेड उसको so, so, बहुत टाइम लगेगा मीन्स कि उसको और मेहनत करनी पड़ रही है टू गेट द ग्लूकोज इन टू द थ्री थिंग्स वी सेड या तो ग्लाइकोजन या तो फैट mm. सेल्स में या तो लीवर या मसल या उसमें राइट right, वो बहुत मेहनत कर रहा है सो so, इसके लेवल्स है विद इन थर्टी मिनट्स आई वॉन्ट योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टू बी बिलो वन फोर्टी आफ्टर सिक्सटी मिनट्स बिलो वन ट्वेंटी आफ्टर नाइन्टी मिनट्स बिलो हंड्रेड विद टेस्ट यू नो वेर यू आर ऑन इंसुल बट हमारे डॉक्टर तो कराते ही नहीं है ये टेस्ट सुना ही नहीं है कभी करेक्ट अब सोचोस्टैंड वाई डिन रेजिस्टेंसन एंड थ्री वेपन्स टू डी विद इंसुलिन रेजिस्टेंस विद डिकारे यू हैव मोर ब्लड ग्लूकोज इन दिस्टम पेंक्रियाज है And they will say, give us, ये तो यार राज को तो अक्कल ही नहीं खिलाते ही जा रहा है खिलाते ही जा रहा उसको है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं योर पैंक्रियाज आर नाउ नॉट बींग एबल टू गिव विच इज वाई यू गिव एक्सटर्नल इंसुलिन राइट सो फर्स्ट थिंग इज यू कैन करेक्ट योर न्यूट्रिशन एंड उसमें क्या करना है वो रॉकेट साइंस नहीं है यार रिफाइंड काब्स कम खाना है मैदा कम खाना है रोटी राइस कम खाना है वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है प्रोटीन ज्यादा खाना है

एसेंशियल है नॉ एसेंशियल है जो ग्यारह नॉन एसेंशियल बॉडी खुद बनाता है वो राज के ऊपर आई कॉन्ट डिपेंड नो हमको खाने से मिलते हैं थिंक ऑफ दम लाइक एल्फोबेट्स ए बी सी डी एफ जी बीस है प्रोटीन्स आर एक्चुअली वर्ड्स मेड फ्रॉम दिस एल्फोबेट्स सम प्रोटीन कूड हैज डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोफाइल्स राइट तो जस्ट like hmm. e, बिकॉज hmm. right? so आप सपोज आपकी रिक्वायरमेंट आई रिकमेंड पीपल टू हैव एटलीस्ट वन एंड हाफ ग्राम ऑफ प्रोटीन पर के जी ऑफ बॉडी वेट आपका सेवेंटी है मेरा भी सेवेंटी एट अपने को रफरी सौ ग्राम तो आ, प्रोटीन okay. चाहिए चाहिए okay. ओके मैं तीन स्कूप प्रोटीन शेक लूँगा मेरे को सौ ग्राम मिल गया बट मेरे को प्रोटीन नहीं मिला प्रोटीन मिल गया बट एमिनो एसिड प्रोफाइल डिफरेंट थी मेरे को प्रोटीन शेक की एमिनो एसिड प्रोफाइल्स मिल गई मेरे कुछ अधिक एमिनो एसिड है वो नहीं मिल रहे now all the excess protein that you take today if your body cannot use it will get secreted out body can protein cannot be stored right so what happens to get your adequate protein you have to eat diverse diet vegetables may protein nuts may protein dal may protein pulses may protein protein shake may protein paneer may protein meat may protein if i am eating a diverse i am getting all amino acids that my body needs

कोई जाके नट्स नहीं खाएगा कोई जाके मखाना नहीं खाएगा कोई खाखरा खाखराविथ घी नहीं गा, हम लोग घी को तो भूल ही गए मैं दिन के सोलह चम्मच घी पीता हूं घी खराब नहीं है घी इज द बेस्ट फैट इन द वर्ल्ड आई गो टू साइंटिस्ट हग मी यू कम फ्रॉम लैंड दैट गिवन दिस वर्ल्ड घी रियली यस घी इज सैचरेटेड फैट बट इज नॉट लाइक एनी अदर सैचुरेटेड फैट घी को ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है कार्बन का डबल बॉन्ड इट्स अ फैट बर्नर Ghee is a fat, fat burner. burner. What is ghee? Because it is a property of ghee; it takes burns away stubborn fat. It reduces your visceral fat. It's, on, it's only in ghee, ki coconut oil, olive oil in. Coconut hota. oil, maybe olive oil, maybe. Olive oil is short chain fatty acid. Coconut oil has similar properties. same MCT oil banta.

100 if not health. If you are not eating ghee wali roti, you are doing the biggest disservice to the country. Huh? Yes, sir. I have four spoons of ghee in my coffee first thing when I wake up. Is it is it scientifically proven? I don't talk anything which has no science validity. I have done three LinkedIn posts and two videos on Ghee. <laughs> Tell your team to take out all the material. If you want, I will share. it. do do we have any paper or anything of course it? can you send the I link of it i want to attach it because yeah yeah ye sabse sabse different cheez hai kyunki i'm first time sun raha hu ye to bahut myth break karne hai अगर ये myth नहीं होती तो ये हम लोग की आज स्टेट नहीं होती right सबसे ज्यादा घी को किसने vilify किया एनसिल Keys ने घी को नहीं saturated fat को वो स्टडी हुई यूएस ने जाके बोल दिया फैट इज बैड सेवेंटीज सो डोंट ईट फैट ईट काब्स ईट मोर पास्ता ईट मोर ब्रेड दीज आर ऑफिशियल एडवर्टिजमेंट बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इन द यूएस इन द सेवेंटीज अगर सेचूरेटेड फैट बैड था अगर फैट बैड था तो, तो हार्ट अटैक्स कम हो जाने चाहिए थे हार्ट अटैक्स बढ़ गए फिर पूरा मूवमेंट चला बैड लो कार्ब bad, खा। पता चला फैट तो सबसे अच्छा है नॉट ऑल इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया में लिया गया बाय द मार्केटिंग वेजिटेबल ऑयल कंपनीज घी इज बैड ईट वेजिटेबल ऑयल हार्ट लगाने लगे अपने तेल के पैक में तो फिर बुरा क्यों बोलते हैं घी को फूड इज पर्सनल

विच इज द पॉइंट राइट वन थिंग कैनॉट हेल्प यू डू समथिंग आई कैन टेल यू विच आर फाइव फूड विच आर ग्रेट फॉर योर हेल्थ ओके सो मेरा बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये रॉबर्ट लस्टिक ने सिखाया था मेरे स्टैंडफर्ड कोर्स में प्रोटेक्ट द लीवर फीट द गट मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट्स अ वर्क हॉर्स ये जनरल है एवरीथिंग hmm. जो आपको जितनी न्यूट्रिय चाहिए ऑक्सीजन चाहिए सारा ब्लड लीवर के थ्रू ही जाता है लीवर डिसाइड करता है कहाँ किसको को बेचना लीवर के पीछे पैंक्रियाज है जो बोलता है बहुत सब राजोटेक्ट द लीवर कैसे कर सकते हैं शुगर कम मैदा कम लेस रिफाइंड का प्रोटेक्ट द लीवर

फाइबर की डाइट को मैक बोलते हैं मैक डाइट मैक मतलब माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट विच इज फाइबर उसका दूसरा फ्रेंड है फर्मेंटेड फूड फर्मेंटेड फूड में लाइव स्ट्रेंस होते हैं फर्मेंटेड फूड क्या क्या होता है दही कड़ी कोम्बुचा सावर क्राफ्ट पिकल एप्पल साइडर विनेगर इज फर्मेंटेड नो विनेगर इज वेरी गुड टू रिड्यूस योर ब्लड ग्लूकोज बिकॉज दैट इज एसिटिक एसिड इट रिड्यूस योर ब्लड ग्लूकोज पर लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर हाँ मैं तो रोज लेता हूँ मेरा लंच इज़ अ सैलड इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स नट्स चीज लोड्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड विनेगर समटाइम्स एप्पल साइडर समटाइम नॉट एप्पल साइडर माई ब्लड ग्लूकोज विल नॉट स्पाइक I take apple cider vinegar before every meal, before lunch. Super. Every day. ये सब अभी दो महीने में चीज़ आप करना है? एक

चार चम्मच घी और दो चम्मच एम सी टी ऑयल होता है इट्स अ डेरिवेशन ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली अब नहीं मिलता तो मैं कोकोनट ऑयल डाल देता हूँ इट कीप्स यू ओके आई हैव लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इन सब में हमने फैट लॉस की बात करी हमने स्लीप की बात करी उसमें आपने फैटी लिवर की बात करी डायबिटीज़ की करी राइट right?

और ना हुक्का शीशा वडेवर स्मोकिंग आई नेवर ट्राइड इट, बट आस पास वेप करते हैं और सबका होता है यार अरे स्मोकिंग से बेटर है मतलब स्मोकिंग में निकोटीन होता है तो वेप करते हैं हम लोग दिस इज़ अ या चॉइस एंड फिर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था हुबमैन का तो एंड्री हुबमैन बता रहा है उसमें कि स्मोकिंग किल्स योर बॉडी बट वेपिंग किल्स योर ब्रेन because it releases dopamine level every second and then it just kills your brain again and again makes you addicted and then you start losing creativity you start losing focus you start losing every major function that brain does if you get excessively addicted to vaping stop it this is what I thought so that's why I want to know more yeah Andrew Uberman is Different level, right? I can't ever dispute because I've learned so much of what we've spoken of from all these gurus. So one, so on a scale of one to ten, if smoking is worse in terms of ten, vaping will be at nine. So is smoking better than uh, is vaping better than smoking. Yes, but it's nine out of ten, my friend. It's mechanical action is what I'm worried about. Any time you are inhaling any smoke, it is weakening your endothelial layer of your blood vessel. इंक्रीज योर चांस ऑफ हार्ट अटैक योर स्ट्रोक एंड ऑफकोर्स नाउ कैंसर ऑल्सो एक चीज बहुत डिरेक्ट लिंकेज है टू कैंसर विच इज स्मोकिंग नंबर वन विद इन कैंसर नंबर वन कैंसर इज लंग कैंसर एंड यूएस में नाउ डेटा ए स्मोकिंग रेट्स एव कम लंग कैंसर इन प्रोपोर्शन राइट

It has now also got substantiated because not only smokers are dying, but passive smokers are also dying. Yeah. Mechanism to say, I breathe something which is external weakening. Why does India have such high respiratory deaths? What is the problem? Pollution. Why, why are we at 69? US is at 79 years. Big contributor is water and pollution. So, SA of smoker. smoke? Like

it is the other carcinogens which are in tobacco which causes there are 7000 carcinogens in the tobacco carcinogens are things that lead to dna breakage which leads to cancer you're telling me that vaping has almost same level same way of 10% plus minus 20% plus minus how does it matter here and vaping is causing cancer as well not just vaping passive vaping also देर मी अबाउट वी वॉन्ट टच दिस की यू सैड इफ यू स्लीप बेटर जो लोग सोते नहीं हैं वो उनको सेक्स करने का ना मन होता है ना वो सेक्स में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं इज देट वॉट यू सेट क्यों ऐसा होता है सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते वही नहीं बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ सो सेक्स सो देर आर टू पार्ट टू सेक्स वन इज सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन ओके जिस मेक इट दिस वे की वो आई वॉज रीडिंग अ रिसर्च रिसेंटली बट दिस इज यू एस आई डों इंडिया में कितना ट्रू है

एवरेज टाइमिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स वाइल्ड दर्फॉर्मिंग सेक्स हैज़ रिड्यूज सिग्नीफिकेंटली मल्टीपल रीजन ठीक है लाइक द टू बिग थिंग्स विच आई रेड एंड द थर्ड एंड सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ की नाउ दैट देर इज मोर अवेयरनेस अबाउट सेक्स एंड टैबू थोड़ा कम होते जा रहा है जब ओपनली पीपल आर डूइंग इट पीपल आर चैलेंजिंग एंड पीपल आई थिंक दर इज मोर कॉन्टेंट अबाउट इट दैन डोंट यू थिंक इट शुड इनक्रीज रिड्यूज क्यों हो रहा है वाई आर पीपल नॉट एंड हर किसी को अपना सेक्स परफॉर्मेंस बेटर करना है तो सेक्स परफॉर्मेंस अगर बेटर करना है अवेयरनेस भी है कॉन्टेंट भी है तो सेक्स परफॉर्मेंस लोगों का कम होते जा रहा है सो so, अभी मैंने एक पोस्ट की थी अभी आया था रिसेंटली दो दिन पहले या तीन दिन पहले कि आ, क्या करने से इंटरमीडियंट फास्टिंग करने से इससे बुलशीप स्टडी मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा मैंने काफी राइट वाई आई एम लिंकिंग दिसकेज ऑफ दैट स्टडी वुड बी वेरीर टू दिस स्टडी विच इज यू आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन टू थिंग्स देयर मेमोरी एंड देयर ऑनेस्टी यूएस ने एक स्टडी की थी सो आपको पूछा आपने आज कितनी कैलरीज खाई है तो आपने आपके प्लेट देख के आपने बताया सो द डिफरेंस बिटवीन वॉट पीपल थॉट द एट वर्सेज वॉट दे एट वॉज फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट द एट फिफ्टी परसेंट हायर कैलरीज एन वट दॉट एंड वन वॉज आस्ट ब्लैंकली आज आपने कितनी खाई फिर मेजर किया तो अगेन सेम वेन एवर यू डू अ स्टडी बेसिस अ रिकॉल एंड मेमोरी I will not rely on that study for me. The weightage of that is फाइव percent, So just because somebody says I am having less sex, how does it? Can I prove it? प्रूव इट टू I measure it? हम लोग के स्टडीज में हम लोग आर सी टीस को गोल्डन गोल्ड बोलते हैं राइट विच इज रैंडमली कंट्रोल्ड ट्रायल की यार एक कंट्रोल ग्रुप है एक अनकंट्रोल ग्रुप है आप देख रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं सबसे पहले स्टडी के पार्टिसिपेंट्स कितने थे उनकी एज क्या थी उनका एनवायरनमेंट क्या था उनको अपने पार्टनर से प्यार था नहीं था एक्साइटेड सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर सो फॉर मी टू बिलीव की पीपल आर हैविंग लेस सेक्स इज नेचुरली बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंस्टिंग बट इफ एवरेज सेक्स इज ए सेवन टाइम्स मंथ फॉर एग्जाम्पल there are people who will be doing it 20 times, there are people who will be doing it once. average is so you don't look at averages when it comes to so i don't have a point of view on that. Uh, i am seeing and i'm very happy about it also for my daughter who is 2021 20, that the awareness around sex is increasing. yeah, right. people want to, to experiment uh, before they take a very important decision of your life because वंस यू चूज टू गेट मैरिड फॉर लाइफ होपफुल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ 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 दैट एंड पीपल आर नाउ ओपनिंग अप द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग टू नो वॉट आई लाइक वॉट आई डोंट लाइक वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज दैट वीव डन आई थिंक आपके पॉट में भी किसी ने बोला था आई डोंट रिमेंबर कि विमेन हैव मोर सेक्स देन मैन और वॉन्ट टू हैव मोर सेक्स दैन मैन इन द सेंस कि इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से देखे तो सो ओके डिफरेंटली पुट वीमेन लास्ट लॉन्गर दे हैव मोर ऑर्गेजम्स दैन मैन अ सेशन द रीजन इज बिकॉज इवोल्यूशनरी सेंस में मैन हैड टू परफॉर्म एंड मूव उनका hmm. काम तो प्रोक्रिएट किया फिर खाना खोजना है फिर केयर करना है वेर इज वीमन हैल द टाइम इन द वर्ल्ड So, as a result of this, the way the hormonal hormones are made, women in an event can have multiple orgasms, whereas men cannot have multiple orgasm. One and you are out. So there are evolutionary reasons, which is why women are mostly disappointed with sex. Somewhere because of that, we started attaching timing to sex, mm. which is why when you hear to some good podcasts on, they say more than sex, the foreplay is more important. Yeah, that will determine your lasting right obviously like smoking is to cancer porn is to sex if you are watching too much of porn you will lose interest in sex why because you've already created an image of you you think this is what sex is it's like watching movies and thinking this is reality it is not reality

कि फ़र्स्ट चीज़ जब भी कोई स्टडी आती न्यूज़ आती है बिकॉज इंटरनेट इज़ फिल्ड विथ सो मच न्यूज़ एंड जो जैसे हम लोग हैं हम लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो जो स्टडीज़ आती है क्रेडिबल सोर्सेज में वो पढ़ लेते हैं और उससे हमारा एक व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव बना लेते हैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई स्टडी मैं पढ़ूंगा या कोई भी जो है देख रहा है वो पढ़े या किसी भी क्रेडिबल सोर्स में भी देख रहा है तो फर्स्ट थिंग वी शुड चेक इज़ हे क्या ये लोगों से पूछी गई है कि ये लोगों पर करी गई है करेक्ट कि अगर पूछी गई है तो देन उसका बेस बहुत बहुत ही वीक है फंडामेंटल उसके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वी शुड नॉट बिलीव इन दैट रियली लव दैट वे दैट्लेन क्योंकि लोगों से पूछना आप मुझसे भी कुछ पूछोगे या दस हजार लोगों से पूछोगे मैं आपसे भी कुछ, कुछ भी पूछूंगा भी 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 भी। हमारी मेमरी का जो याद होगा हम वही बताएंगे वर्सेस

मुझे हर चीज़ में ग्रो करना है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग सब ग्रो करें इसीलिए हम ये चैनल पे वर्ल्ड के बेस्ट लोग लाने की कोशिश करते हैं एंड उनसे हर चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं मुझे पर्सनल ग्रोथ के बारे में लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस को लेके नहीं होती पर्सनल ग्रोथ मतलब आपका करियर अच्छा होना चाहिए आपकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपको ट्रूथ वर्ल्ड ट्रूथ के बारे में पता होना चाहिए आपको कंट्री में क्या चल रहा है पता होना चाहिए आपकी रिलेशनशिप बेटर होनी चाहिए सब को सब चीज़ों को जब साथ में बढ़ाते हैं दैट होलिस्टिक ग्रोथ इज़ फॉर मी पर्सनल ग्रोथ एंड हर इंसान को उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए एंड द ईजिएस्ट वे टू डू दैट इज़ आप जब अच्छा कंटेंट सुनते हैं ग्रोथ के बारे में वो फर्स्ट स्टेप होती है क्योंकि आप अच्छा सुनेंगे अच्छी चीज़ें देखेंगे और कॉन्शियसली चूज़ करेंगे कि आप इसी चीज़ों के अराउंड अपना माइंड चलाएं तो आप आपकी लाइफ में चेंज ला सकेंगे सो वॉच दिस एपिसोड एंड शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट वन पर्सन जिसकी लाइफ में इससे चेंज आएगा वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर पाएगा अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड keep figuring out. Don't forget to subscribe, like, share and do whatever you want and let us know in the comments what did you think about this episode?